फायन जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, जिनका जन्म 337 एडी में हुआ और मृत्यु 422 एडी में हुई। यह बुद्धिज्म से काफ़ी हद तक प्रभावित थे, जिसके चलते भारत की ओर आना इन्होंने निश्चय किया और 399 एडी में 60 वर्ष की उम्र में अपनी यात्रा प्रारंभ कर माउंटेन्स डेजर्ट्स को पार करते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यह पहुँचे, जहाँ इन्होंने पाटलिपुत्र की ओर यात्रा आरंभ की। वहाँ गुप्ता एम्पायर था उस समय, जहाँ इन्होंने अपने 6 वर्ष बिताए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिन्हें हम दूसरे नाम में विक्रमादित्य भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म के लिए अपनी पढ़ाई आरंभ की और लगभग इन्होंने 2 साल पूर्ण रूप से संस्कृत का अध्ययन किया, जिससे कि ये बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनका अनुवाद चाइनीज में कर सकें संस्कृत से। जिसके चलते फिर उसके बाद उन्होंने कई क्षेत्रों का, जहाँ पर बुद्धिज़्म काफ़ी हद तक फैला हुआ था या बुद्ध से संबंधित क्षेत्र जैसे लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, बनारस, श्रावस्ती, इस प्रकार के क्षेत्रों में घूमे, जिससे बुद्धिज़्म की जो रियल शिक्षाएँ हैं उनको चाइना तक पहुँचा सकें। इसके बाद ये समुद्री मार्ग के द्वारा अपने साथ कई लॉट्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एवं बुद्ध की जो कई सारे स्टैचूज थे उन सभी चीज़ों को लेते हुए अपने समुद्री मार्ग से निकले। परंतु यह 2 साल सीलोन, जिसको आज वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है, वहाँ पर 2 साल के लिए रुके। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भी बुद्धिज़्म का प्रसार किया थोड़ा सा और वहाँ से भी कुछ शिक्षा ली। उसके बाद वह पुनः श्रीलंका से चाइना की ओर निकल पड़े, परंतु एक साइक्लोन के कारण उनका जहाज ध्वस्त हो गया। 5वां उन्हें सिंगापुर में रुककर पुनः वह चाइना की ओर निकल पड़े। यह स्टैचू वर्तमान में